आइए, आप सभी का स्वागत है। देखिए और सीखे द नीटिंग चैनल में आज आपके लिए यहाँ पे फिर से एक शॉल लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी शॉल है, तो एक बार जरूर ट्राई करें इस शॉल को। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊन की बात कर लूँ तो ऊन हमने यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखिए पतली वाली ऊन ली हुई है, ठीक है। 4 प्लाई ऊन है, यहाँ पे 4 धागे आपको दिख रहे होंगे और क्रोशे नंबर यहाँ पे मैंने 3 mm लिया हुआ है, यानी कि साइड में 5 लिखी हुई है। अगर इस तरह से क्रोशे नहीं है आपके पास तो 12 नंबर की क्रोशे से भी बना सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम गार्ट लगा लेंगे। गार्ट लगाने के बाद हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे, यानी कि 5 चेन बनाना है आपको। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 चेन लेने के बाद सबसे फर्स्ट वाली चेन पे जाएंगे और स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेन लेंगे फिर 1, 2, 3, यानी 3 चेन लिया हमने। सबसे पहले इस धागे को हम कट कर लेते हैं, ठीक है। 3 चेन बनाए, 3 चेन हमारी पहली डबल क्रोशिया काउंट होगी। इस रिंग के अंदर डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 डबल क्रोशिया होगी, चेन को भी काउंट करना है आपको। ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई, ठीक है, यानी 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3, क्रोशिया पे धागा लें। फिर से इस रिंग के अंदर डालते हुए हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद ये राउंड हमारी कंप्लीट होती है। पहली राउंड हमारी यहाँ पे देखिए, पहली राउंड हमारी कंप्लीट होती है। दूसरी राउंड के लिए हम यहाँ पे 6 चेन लेंगे, ठीक है, यानी 6 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 चेन लेने के बाद क्रोशे को इधर पलटेंगे हम, यानी धागे को क्रोशे पे धागा लेंगे। अब यहाँ पे जो जगह बनी हुई है यहाँ पे देखिए हम पफ बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से लिया और 5 बार में पफ को निकालेंगे। अगर आपको थोड़ा सा कम थिक चाहिए तो आप यहाँ पे 4 बार में भी निकाल सकते हैं। इस तरह से लिया, 1 हो गई, धागा लिया, फिर से निकाला धागा, दूसरी बार फिर से धागा लेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तीसरी बार धागा लेंगे, यहाँ से निकालेंगे, चौथी बार फिर से लेते हैं एक बार और धागा लिया और यहाँ से निकाला, 5वीं बार सारे फंदों को निकालेंगे, लास्ट में 2 फंदे रहेंगे, इसे फिर निकाल लेंगे हम। इसके बाद देखिए चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3, 3 चेन लेने के बाद सेम इसी जगह पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसे बांध लेंगे, ठीक है, 1 बार हो गई। अब चेन लेंगे फिर से, 1, 2 और ये 3, एक बार पफ बनाएंगे, फिर से 1 बार धागा लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और ये 5वीं बार, इस तरह से लेंगे, इसे बंद करेंगे, फिर से चेन लेंगे, 1, 2, 3, 3 चेन लेने के बाद फिर यहाँ पे डालेंगे हम और सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे, हो गई। फिर से 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3, इस तरह से हमें बीच में 3 बार पफ बनाना है। क्रोशिया पे धागा ले लें, यहाँ पे निकालेंगे 1 बार धागा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और ये 5वीं बार, 5 बार में हमने यहाँ पे फंदे को निकालना है, ठीक है, 5 बार फंदे को निकाल लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारी ये बनी हुई डिजाइन, ठीक है। तो इस तरह से डिजाइन बनाने, तो देखिए यहाँ पे दूसरे राउंड के लिए अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमारे यहाँ शुरुआत में हमने यहाँ पे 6 चेन लिया था, तब यहाँ पे क्या करेंगे लास्ट में, सबसे पहले 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। अब क्रोशिया पे धागा ले लें और यहाँ पे जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, देखिए 1, 2, 3, सबसे लास्ट वाली चेन पे जाएंगे और यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इस तरह से दूसरी राउंड बन के रेडी हो जाएगी। तीसरी राउंड के लिए देखिए चेन बनाएंगे, 6 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रोजेक्ट में जो भी हम ये सॉल बना रहे हैं आपको 6 चेन ही लेना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जितनी बार भी हम लेंगे 6 चेन ही लेंगे, 6 चेन लिए हमने। अब जो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, सॉरी 3 जो चेन बनाई थी इस जगह पे डालेंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करना है। फिर से 6 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब जो बीच वाला हमारे ये जो पफ बना हुआ है इसके ऊपर जाते हुए यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। फिर लेंगे 6 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी कि 6 चेन हमने लिया हुआ, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब यहाँ पे जो चेन बनी है यहाँ पे डालेंगे हम और इसे ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो एक हमारा देखिए छोटा सा कोना निकला हुआ है, तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। 3 चेन लेने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे और इस चेन को थोड़ा सा हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से चेन काउंट करेंगे हम, देखिए 1, 2 और ये 3, तीसरी वाली चेन पे जाएंगे हम, यहाँ से देखिए 1, 2 और ये 3, तीसरी वाली चेन पे हम इस तरह से लेंगे
और एक डबल क्रोशे यहाँ पे कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी ये राउंड कंप्लीट हुई, तीसरी राउंड, एक दो और ये तीन, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से छह चेन लेंगे, यानी सिक्स चेन, 1 2 3 4 5 और ये सिक्स। पलटना है आपको, पलटने के बाद जो छोटी वाली हमारी गैप बनी हुई यहाँ पे, इस तरह से लेंगे, सिंगल क्रोशे के साथ ज्वाइंट कर लें, फिर लेंगे 1 2 3 4 5 और ये छह, यानी सिक्स चेन, फिर से यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। फिर लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी छह चेन। अगली बारी जो छह वाली चेन है हमारी, यहाँ पे डालेंगे और सिंगल क्रोशे के साथ ज्वाइंट करेंगे। बहुत ईजी है, देखते जाइए सिर्फ 1 2 3 4 5 और ये छह, यानी सिक्स चेन, यहाँ पे आएंगे, इसे ज्वाइंट करेंगे। तो अभी हमारी ये कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि ये कोना हमारा निकला हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम फिर क्या करेंगे, तीन चेन लेना आपको, 1 2 और ये 3 चेन। क्रोशे पे फिर से धागा ले लें, नीचे से काउंट करेंगे हम 3 चेन। इस चेन को थोड़ा सा हम इस तरह से करना है और यहाँ से काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 2 और ये 3, यानी थर्ड वाली चेन नीचे से थर्ड चेन पे डालेंगे और यहाँ पे हम इसे थर्ड चेन पे डालते हुए हम इसे थोड़े सा इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से बनी हमारी ये। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो हमने पफ बनाई है तो दो बार हमारे ये चेन वाला पैटर्न बन गया। तीसरी राउंड में जब हम ये दो चेन की जो राउंड कर लेंगे, जब तीसरा डिजाइन आएगा तब हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो किस तरह से, अब देखिए, अब यहाँ पे चेन लेंगे 1 2 और ये 3। जब हम पफ बनाएंगे तो इसके लिए आपको 3 चेन लेना है। तो पफ अब हमारी कहाँ बनेगी, एक यहाँ पे बनेगी और एक यहाँ पे बनेगी, ठीक है। दो पफ बनेगी, फर्स्ट में एक बनी, अब यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिए किस तरह से, 3 चेन लिया हमने, क्रोशे पे धागा ले लें, यहाँ पे डालेंगे, सॉरी पफ नहीं बनेगी, अब हमारी ये राउंड बनेगी जो फर्स्ट में हमने राउंड बनाई हुई थी, ठीक है। तो 1 2 डबल क्रोशे हो गई, ये तीसरी डबल क्रोशे। फिर लेंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3, फिर इसी जगह पे डालेंगे और हम यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे, यानी कि 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे। अब जो नेक्स्ट में आएगी, इससे पहले हम एक चेन ले लेंगे। अब यहाँ पर जो चेन है हमारी, इस जगह से सिंगल क्रोशे के साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे, सॉरी चेन नहीं लेना हमें अभी, जब पफ बनेंगे तब चेन लेंगे। यहाँ लिया हमने, इस तरह से ज्वाइंट कर दिए, ठीक है। एक जो हमारी चेन है वहाँ पर हमने ज्वाइंट कर लिया सिंगल क्रोशे के साथ। अब 1 2 3 4 5 और ये 6, दूसरा वाला 6 चेन जो है यहाँ पे बीच वाला, इसमें इस तरह से उठाना है हमें, इसे ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। फिर लेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, अब ये पैटर्न को इस तरह से उठाना है हमें और यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। अब लेंगे हम, देखिए क्रोशे पे धागा लेंगे, सॉरी अब यहाँ पे देखिए क्रोशे पे धागा लेने के बाद हम जो लास्ट वाला ये जो गैप दिख रही है हमारी ये वाली, यहाँ पे आपको फिर से 3 डबल क्रोशे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशे करना है, ठीक है। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। जैसे देखिए 1 2 3 हो गई, अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से रिपीट करेंगे डिजाइन को। यहाँ पे फिर से हम 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे, ठीक है। इस राउंड में अब आपको इसी तरह से करना है, आपको आगे पीछे और कुछ नहीं बनाना है यहाँ पे। अब यहाँ से आपको फिर से 6 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि टोटल हमने यहाँ पे 6 चेन लिया है। तो राउंड कितनी चल रही है, 1 2 3 4 5, और हमारी 6 राउंड चल रही है। 6 राउंड में हमारी ये सेकंड राउंड बनेगी, ये वाली राउंड हमारी यहाँ पे बनेगी। तो 6 चेन बनाने के बाद इस गैप में आ जाएंगे और यहाँ पे हम देखिए पफ बनाएंगे। तो एक बार धागा लिया, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और ये 5वीं बार, 5 बार में हम इस तरह से लेंगे और इसे बंद करेंगे, ठीक है। चेन लेंगे 1 2 3, यहाँ पे पफ को इस तरह से बंद करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ ऐसे, फिर से चेन लेंगे 1 2 3, यहाँ पे डाला हमने, पफ बनाया, एक बार लिया, 2 3 4 और ये 5, इस तरह से बंद करेंगे, फिर लेंगे 1 2 3, इस तरह से हमें 3 बार पफ बनाने हैं। 2 बार हम पफ को इस तरह से बंद करेंगे, लास्ट बार में जब हम पफ बनाएंगे उसमें हमें बंद नहीं करना है, ठीक है। 3 चेन लिया, एक बार और पफ बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, 5 लिए हमने। अब यहाँ पे इसे बंद करेंगे,
अब यहाँ पे चेन ले लेंगे। जैसे हर बार हम पफ बनाने के बाद यहाँ पे चेन ले रहे थे और यहाँ सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर रहे थे, जब लास्ट वाली आएगी तो आपको नहीं करना। अब एक चेन लेंगे पफ लेने के बाद, पफ बनाने के बाद। अब देखिए यहाँ पे आपकी दो डिज़ाइन होगी, एक और ये दो, ठीक है। तो फर्स्ट वाली पे हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः चेन। दूसरा वाला जो चेन आएगा इसमें आपको इस तरह से उठाना है, सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर लेंगे, लेंगे वन चेन इस तरह से, यानी एक चेन लेना है। फिर ये जो पफ वाली डिज़ाइन है ये वाली हम यहाँ पे बना के कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिक्स राउंड हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई, लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे मैंने छः चेन बनाया है तो यहाँ पे हमारी प्लेन बनी हुई। तो अब क्या करेंगे, जब पफ बन जाएगी आपकी तो आपको यहाँ पे तीन चेन लेना है, एक दो तीन, यानी थ्री चेन लेंगे, वन टू थ्री, ठीक है। क्रोशिया पे धागा लेंगे, जो सबसे लास्ट वाली जो हमारी डबल क्रोशिया होगी इसमें हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी ये बन गई। अब देखिए रो टू बनाएंगे हम, ये जो चेन वाली राउंड है ये, ठीक है, क्या दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे हम शुरू करेंगे। अब देखिए ये राउंड के करने के बाद हम यहाँ पे सिक्स चेन लेंगे, फिर से एक दो तीन चार पाँच और ये छः, ठीक है, यानी सिक्स चेन ले लिया। इधर पलट जाएंगे, सबसे पहली वाली जो हमारी गैप आएगी इसी में आपको इस तरह से डालना है, सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच और ये छः चेन लिया। अब जो पफ आएगी पफ के बीच में हमें इस तरह से डालना है, सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे, फिर लेंगे एक दो तीन चार पाँच और ये छः चेन। अब देखिए यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे हम, इस पफ में नहीं ज्वाइंट करना, पफ के बगल में जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पे इस तरह से उठाना है, सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच और ये छः चेन, ठीक है। अब इस चेन को हम इस तरह से उठाना है आपको, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करना है, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। इसके बाद ये वाली जो है देखिए, अब पफ के बाद में जो यह जगह है यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः चेन लेने के बाद जो बीच में पफ है उसमें हमें सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करना है, ये वाली। फिर लेंगे हम एक दो तीन चार पाँच और ये छः। लास्ट में आपकी जो छः चेन वाली है इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब ज्वाइंट करेंगे तो इस तरह से हमारी फिनिशिंग नहीं होगी। शुरुआत में देखिए हमारे यहाँ पर छोटा सा कोना निकला हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा इधर सरकाना है आपको। अब लेंगे एक दो और ये तीन चेन, क्रोशिया पे धागा ले लें। अब नीचे से हम काउंट करेंगे तीन चेन, एक दो और ये तीन, यानी थर्ड नंबर चेन पे डालेंगे हम यहाँ पे और एक डबल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ पे, ऐसे लिए और डबल क्रोशिया करना है, पहले दो फंदे और फिर से दो फंदे, तो अब इस तरह से बनेगी, ठीक है, देखिए ओके। अब चेन लेंगे, फिर से एक बार और दिखा देती हूँ, एक दो तीन चार पाँच और ये छः चेन, पलट जाना आपको। एक बार हमारी चेन वाली राउंड कंप्लीट हुई, अब दूसरी राउंड पे आ जाते हैं, यहाँ पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। फिर लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। अब आपको देखिए क्या करना है, फिर यहाँ से छः चेन लेंगे हम, यहाँ पे ज्वाइंट करना है, फिर छः चेन लेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, फिर छः चेन लेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, फिर यहाँ पे ज्वाइंट करना है, फिर छः चेन लेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट करना है, फिर छः चेन लेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट करना है, ठीक है, देखिए इस तरह से। इसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है आपको। तो देखिए इस राउंड पर हम आ गए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर छः चेन ले लिया और यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई, साइड में जब आपको समझना है तो साइड देख सकते हैं, छोटा सा कोना निकला हुआ है। तो फिर इस कोने को हम कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, एक दो और ये तीन चेन लेंगे, क्रोशिया पे धागा ले लें, फिर से हम नीचे से काउंट करेंगे चेन को, एक दो और ये तीन, तीसरी वाली चेन पे जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो दो राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। दो राउंड कंप्लीट होने के बाद जो फर्स्ट राउंड में हमने बनाया था ये वाली डबल क्रोशिया वाली लाइन, ठीक है, जैसे ये वाली लाइन, ये बनेगी अब नेक्स्ट राउंड में। तो एक बार और दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है आपको, तीन चेन लेना है। जब आपको ये वाली राउंड कम बनानी है तो तीन चेन लेना है आपको, एक दो तीन, पलट लेना है आपको, क्रोशिया पे धागा ले, ये जो छोटी वाली गैप है इसमें डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो जो चेन हमने बनाई एक हो गई, ये दो, अब यहाँ पे फिर से डालेंगे तीन, अब तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन चेन, इसी जगह पर डालना है और फिर से हमें तीन डबल क्रोशिया बना लेना है, एक डबल क्रोशिया,
ये दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। ठीक, तीसरी डबल क्रोशिया करने के बाद देखिए अब पांच चेन जो है हमारी ये वाली, इसे हमें इस तरह से उठाना है और सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। जो हमारी ये चेन के बगल में जो होगी, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके बगल में जो हमारी चेन होगी इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर लेना। फिर लेंगे पांच चेन, सॉरी छह चेन, दो तीन चार पांच और ये छह। ठीक है, अब ये वाली चेन उठाएंगे हम सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए फिर से लेंगे हम एक दो तीन चार पांच और ये छह, दो बार ये वाली चेन आनी चाहिए। तो एक बार हमने बनाया, दूसरा बार फिर हम इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, दो हो गई। अब जो तीसरा नंबर का गैप आएगा, देखिए यहाँ पे जब तीसरा बनाएंगे, एक में तो हमने ज्वाइंट किया, ये दूसरा हो गया, तीसरा जब चौथा जो आएगा इसमें हमें आपको इस तरह से लेना है और यहाँ पे ये डिजाइन बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया वाली, एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर लेंगे चेन एक दो तीन चेन, इसी जगह पे डालेंगे एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। ठीक है, कुछ इस तरह से देखें, फर्स्ट वाले गैप में हमने सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट किया ये वाले डिजाइन बनाने के बाद, दूसरे वाले में हमने देखी यहाँ पे देखिए ये जो पहली वाली थी इसमें हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ से छह चेन लेने के बाद दूसरे वाले पे ज्वाइंट किया, फिर छह चेन लेने के बाद तीसरे वाले पे हमने ज्वाइंट किया और चौथे वाले में फिर से हमने ये डिजाइन बनाया। अब यहाँ पे फिर से आपको तीन चेन लेना है, सॉरी छह चेन, एक दो तीन चार पांच और ये छह। यहाँ पे इस डिजाइन को उठाना है, सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, एक बार होगी ये चेन छह वाली, एक दो तीन चार पांच और ये छह, ये दूसरी हो गई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से बनती हुई जाएगी। फिर हम इधर से जब घूमते हुए आएंगे तो फिर हम यहाँ पे छह चेन लेंगे, छह चेन लेने के बाद फिर ये पफ वाले डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बड़ी सी पिक लगा दूंगी और मैंने थोड़ा सा और बना के रखा, मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ किस तरह से ये लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब इसी तरह से डिजाइन बनाते हुए जाएंगे तो बहुत ही प्यारी से खूबसूरत से हमारी ये शॉल बन के आएगी, बहुत ही प्यारी लगेगी। एक बार जरूर ट्राई करें आप इसे। तो देखिए कुछ मैंने यहाँ पे आपको दो फ्लावर तक बताया हुआ था यहाँ पे, तो देखिए फिर यहाँ पे एक दो तीन आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पे एक आ गई, दूसरी तीसरी और ये चौथी। ठीक है, चार हमारी यहाँ बन के कंप्लीट हुई है। तो चलिए बनाइए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो में, थैंक यू।